हाय एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आईसर 2024 का। जितने भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन दे रहे हैं, पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको चीज समझ में आने वाली है। इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बात करने वाला हूँ जो आपके फिजिकल वेरिफिकेशन में काम आएंगे। और साथ ही साथ में सर्टिफिकेट को लेकर के एक ऑफिशियल पीडीएफ हाथ लगा है मेरे, जो कि पता नहीं अब ये 2-3 दिनों में पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि लास्ट के इयर्स में ये चीजें स्टेट गवर्नमेंट वाले अथॉराइज थी। बाकी अब मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट नंबर 1 जो आपका होने वाला है, ध्यान से देखना, एक पेन और पेपर पर लिख लेना, आपका जो होगा ऑफर लेटर, ठीक। फर्स्ट हो गया आपका ऑफर लेटर, सेकंड हो गया आपका एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म कहां से डाउनलोड करना है मैं ये भी अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा, सारे फॉर्म्स के फॉर्मेट और फॉर्म्स कहां से डाउनलोड करना है, ठीक है। थर्ड आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपका है मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपका है, मेडिकल सर्टिफिकेट है तो ये काइंड ऑफ आपके लिए मतलब तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया। फोर्थ, जो कि मैंने यहाँ पे पीडीएफ ओपन कर रखी थी, मैं वहीं से देख के बता रहा हूं। फोर्थ आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मैं और थोड़ा पास कर लेता हूँ जिससे मेरे को और इजी रहे, ठीक है। हाँ, आप दिख जाएगा मेरे को यहीं से। ठीक है, तो अब आपका कितने डॉक्यूमेंट हो गए, फोर्थ हो गए, फिफ्थ का ए पार्ट है ये, ठीक है। टेंथ क्लास का मार्कशीट / सर्टिफिकेट, कुछ लोगों के मार्कशीट में जैसे कुछ स्टेट बोर्ड्स होते हैं उनका मार्कशीट अलग आता है, सर्टिफिकेट अलग आता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड का मार्कशीट कम सर्टिफिकेट दोनों एक ही में आता है, तो वही आपका मार्कशीट भी होगा, वही आपका सर्टिफिकेट भी होगा, आपको अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऊपर साफ साफ लिखा रहता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आपको ओरिजिनल चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल आपको यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। वहां पर जाके ये मत कहना कि स्कूल वालों ने दिया नहीं है या फिर ये नहीं हुआ है, ओरिजिनल लेके जाना है प्लस 2 फोटोकॉपी, ठीक है। फोटोकॉपी जितनी भी लेके जाओगे आप लोग, जो भी मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा फोटोकॉपी का, वो सारे सेल्फ अटेस्टेड लेके जाओगे, सेल्फ अटेस्टेड समझ रहे होगे, अपना सिग्नेचर किया हुआ। जैसे मेरा नाम अमित है, मेरा नाम कोई डॉक्यूमेंट है तो मैं अपना नीचे क्या करूंगा, पेन से, स्मॉल पेन से सिग्नेचर करके वहां पे दूंगा उनको, ठीक है। तो ये चीजें हैं, सेम चीज आपको बी पार्ट में, सेम चीज आपको ट्वेल्थ के मार्कशीट के साथ करनी है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट 2 फोटोकॉपी, उसको सेल्फ अटेस्ट करके देना है। सी पार्ट आपका देखो, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसके भी 2 फोटोकॉपीज लगेंगी। फिर चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी, EWS कोई भी हो, आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ में 2 फोटोकॉपी विद सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है, इस बात का याद रखना। और अब यहां पे बात आती है, यहां पे लिखा हुआ है जो कि मैं पीडीएफ देख पा रहा हूं, कैटेगरी सर्टिफिकेट एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है। आज तक मैंने नहीं देखा, 2-3 साल हो गए मेरे को, मैंने नहीं देखा कहीं पे ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन किया गया हो, इसीलिए बोल रहा हूं मैंने अभी
सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में चाहिए, इसीलिए मैंने टेलीग्राम पे डाला कि आप एक बार हेल्प डेस्क पे बात करो, क्योंकि मैं नहीं कर सकता, मैं आईसर भोपाल का स्टूडेंट हूँ, मेरे वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आईसर बी का ही हूँ, वहीं पे पढ़ता हूँ, वो लोग मेरे को अच्छे से जानते हैं, तो वो लोग पहचान जाएंगे। इसीलिए बोला आप लोग हेल्प डेस्क पे कंप्लेन करो, एटलीस्ट वो चीज क्लियर करें। अगर वो लोग ये चीज क्लियर कर देते हैं तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हैं भैया ऐसा ऐसा हुआ है। साथ में ओबीसी का, ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट लगेगा वो तो पहली बात तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का लगेगा, ताकि काफी सारे बच्चों ने बनवाया होगा जिन्होंने जेई वगैरह दिया था, 1 अप्रैल 2024 के बाद का लगेगा। SC ST वालों के लिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, उनको ये लगेगा, और उनका भी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट पे होना चाहिए। ठीक है, ये आपका था डी पार्ट। अब आओ जी, सॉरी एफ पार्ट था, जी पार्ट पे आओ। जी पार्ट आपका है इनकम सर्टिफिकेट, अभी भी 2 महीने का टाइम है, इनकम सर्टिफिकेट बनवा लो, क्योंकि 1 अप्रैल 2024 के बाद का मांगा गया, तो अभी भी 2 महीने का टाइम है, बिकॉज अगस्त मिड तक जाएगा काउंसलिंग का प्रोसेस पूरा, या फिर उससे भी ज्यादा जा सकता है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं किया गया है। कश्मीरी माइग्रेंट्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनको अपना सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाना पड़ेगा विद 2 फोटोकॉपीज। ठीक है, अब देखो ये तो शायद 5th के सारे पार्ट थे, 6th देखो, 6th ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा आपको, ये आपको स्कूल प्रोवाइड करेगा, ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा आपको। इलेमिनेट वगैरह करवाने की जरूरत नहीं, फालतू पैसे बर्बाद करोगे, इलेमिनेट नहीं करवाते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट को, वो सबमिट हो जाएगा ओरिजिनल वाला, वहां पे कोई उसकी फोटो कॉपी नहीं होती है, एक अपने पास रख सकते हो जैसे कोई इनकेस कुछ प्रॉब्लम हो तो। सेल्फ अटेस्टेड आपको एड्रेस प्रूफ देना है, सेल्फ अटेस्टेड, एड्रेस प्रूफ देना है आपको, जिसमें आप आधार कार्ड पैन कार्ड लगा सकते हो, मैं रिकमेंड करूंगा आधार कार्ड लगाना, ठीक है, और जिनके पास वो जो वाला आधार कार्ड है वो साइबर कैफे वाले इलेमिनेट करके कार्ड टाइप में बना के देते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज चेंज कर दो, myaadhar.gov.in पे जाओ, PVC कार्ड ऑर्डर कर लो, लेटेस्ट 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 जो कार्ड बना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे कार्ड बना है, वो कार्ड आपके पास आ जाएगा, मात्र ₹50 लगेंगे GST, बाकी एक्स्ट्रा कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा, आपके एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा 2 से 3 हफ्तों में। ठीक है, myaadhar.gov.in पे चले जाना, वहां पे PVC कार्ड ऑर्डर कर लो, ठीक है, आपको अपना कार्ड मंगा लोगी, वो वाला कार्ड एक्चुअली पानी उनी गिर जाए तो प्रॉब्लम रहता है, और आप अब आपको कॉलेज में जाना है तो प्लास्टिक का कार्ड एक होना जरूरी है, उसको मंगा लो आप लोग। ठीक है, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड दे सकते हो, ये 7th डॉक्यूमेंट हो गया। 8th डॉक्यूमेंट देखो, ये भी सेल्फ अटेस्टेड देना है, सेल्फ अटेस्टेड क्या देना है, ID प्रूफ कि आप ही हो ना वो। ठीक है, ID प्रूफ के लिए भी आप आधार कार्ड दे सकते हो, यानी एक चीज से दो काम हो रहा है। ठीक है, आठ आठ चीजें हो गई, अंडरटेकिंग एक होती है, अंडरटेकिंग एक अंडरटेकिंग, साइंड अंडरटेकिंग आपको सबमिट करनी पड़ती है, अंडरटेकिंग कैसे कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, वो सब मैं आपको बताऊंगा, परेशान मत होना, इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो, बेल नोटिफिकेशन को दबा लो। आज रात्रि में एक लाइव सेशन होने वाला है, ठीक है, लाइव सेशन आज होगा वही 12 बजे से, 12 बजे से एक आपका लाइव सेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करिएगा। ठीक है, अंडरटेकिंग में मेरे को जहां तक याद है वो यही लिखा होता है कि अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन गलत सबमिट की है तो अगर अथॉरिटी चाहे तो आपका एडमिशन कैंसिल कर सकती है। ठीक, कोई डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट लगा दिया था, या कोई आपने मान लो कैटेगरी सर्टिफिकेट डुप्लीकेट लगा दिया था, ना आप उस कैटेगरी से नहीं बिलोंग करते हो, कुछ भी करते हो, XYZ कोई भी इंफॉर्मेशन गलत पकड़ी जाती है तो आपको उसका वो करना पड़ेगा। और
अब आपका है 10th चीज, एंटी रैगिंग फॉर्म बाय पेरेंट्स बाय स्टूडेंट, दोनों के थ्रू भरनी होती है। एंटी रैगिंग फॉर्म में लिखा रहता है अगर आप किसी भी द्वारा रैगिंग वगैरह किसी करते हुए पकड़े जाते हो, आपको कुछ दिनों के लिए सस्पेंड, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ लेजेंड लोग होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की तरह, लोग अगर कर देते हो पकड़े जाने पर आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है या फिर टर्मिनेट किया जा सकता है कॉलेज में, या फिर पुलिस केस भी हो सकता है। उसमें साफ साफ लिखा होता है, इस टोटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह से कुछ होता है तो। अब देखो, अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से समझना, 11th डॉक्यूमेंट जो मांगा गया है ना आपसे, 11th डॉक्यूमेंट मांगा गया है फी रिसिप्ट का, फी रिसिप्ट में आपको दो चीज देनी है, ए पार्ट SAF जो आप पे करोगे अभी, SAF जब पे करोगे तो वहां पे आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी, तो उस रिसिप्ट को डाउनलोड करके रखे रहना, वो आपको सबमिट करनी होगी। बी पार्ट बैलेंस फी, ठीक है। बैलेंस फी ये कॉन्सेप्ट समझो, बैलेंस फी वो फी होती है, जैसे मान लो कि आप किसी भी कॉलेज की फी 55,000 रुपीज है, लेट सपोज, ठीक है, किसी कॉलेज की फीस अगर 55,000 रुपीज है, आपने SAF पे किया है 35,000 रुपीज, ठीक है, तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए आपको 20,000 और रुपीज देने होंगे कि ये फीस टोटल पूरी आपकी बैलेंस हो जाए, ठीक है। ये देन अब आपको सीधा फीस नेक्स्ट सेमेस्टर में पे करनी होगी, उस सेमेस्टर में कोई फी पेमेंट नहीं करना होगा। तो यही होता है बैलेंस फी, ये आपको तभी पे करना है जब आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, एंड ऑफर लेटर पे ही सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे कि आपको कैसे फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट आपको SBI कलेक्ट से करना है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है फी रिसिप्ट ऑफ SBI बैंक ऑफ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ SBI का अकाउंट मैंडेटरी खुलवा लो। इससे देखो दो तीन फायदे हैं, पहला तो आपको कॉलेज में काम हो जाएगा, अभी आपको प्रेफरेंस ऑर्डर बनना है वहां अपना अकाउंट लगाओगे, तीसरा ऑल ओवर इंडिया में रहता है यार ये, ऑल ओवर इंडिया में कभी कहीं फंसता नहीं है ये, ठीक है, और कोई बैंक से थोड़ी बहुत दिक्कत कर देंगे लेकिन ये नहीं फंसेगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देखो, यहाँ पे मांगा गया है लो 12th इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है, वहां पे मांग भी दिया गया है SBI बैंक पासबुक का फोटो कॉपी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, बैंक पासबुक का फोटो कॉपी, ठीक है, मांग दिया गया है। और लास्ट डॉक्यूमेंट है जो आपका 13th डॉक्यूमेंट है, चार फोटोग्राफ चाहिए आपको। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार अपने अपने डॉक्यूमेंट्स मैच कर लो सब लोग, अगर पूरी वीडियो में नोट बनाते चल रहे हो तो। पहला आपका ऑफर लेटर, वो आपको मिलेगा, दूसरा आपका कंप्लीट एडमिशन फॉर्म, तीसरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, चौथा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, पांचवा आपका 10th और 12th का मार्कशीट, मैं पांचवे का ए बोल रहा हूँ, 10th और 12th का मार्कशीट विद सर्टिफिकेट, बी बी भी वही हो गया, सी आपका है क्या कहते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथोराइज होना चाहिए, ओबीसी एससी एसटी डब्ल्यूएस का, ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट होगा 1 अप्रैल 2024 के बाद का होगा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट पे, इनकम सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का होगा, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है किसी को, किसी को अगर डिसेबिलिटी है, हाँ ये बताना भूल गया था मैं, 14th ले लो, अगर अगर किसी पर्सन को डिसेबिलिटी है तो उसको UDID यूनिक यूनिक आइडेंटिटी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक होता है, एक वहां से बनता है, और साथ में CMO के द्वारा एक बनता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा एक सर्टिफिकेट बनता है, दोनों में से कोई भी है मैं तो कहूंगा दोनों, अगर दोनों लगा देना बेस्ट होगा, अगर दोनों में से कोई एक भी है तो वो आप लगा सकते हो, तो ये आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट आपको क्राइटेरिया में फुलफिल करने के लिए 40% आपको होना चाहिए, ठीक है, तो इस चीज का याद रखना। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है कश्मीरी माइग्रेंट्स वाले स्टूडेंट को, उसके बाद और मैच करो, ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, कोई फोटोकॉपी नहीं, कोई कुछ नहीं, ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, साइंड अंडरटेकिंग, बता दिया था अंडरटेकिंग में क्या लिखा रहता है, ओरिजिनल लाइक ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, दो फोटोकॉपी के साथ आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ, दोनों के लिए आप आधार कार्ड लगा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा, एंटी रैगिंग का एक वो चाहिए,
तो आप एंटी रैगिंग के लिए बाय द पेरेंट्स वो फॉर्म सारे जब ऑफर लेटर आएंगे तो उस पर आपको दिया होगा, ठीक है। रिसिप्ट, फी रिसिप्ट, बैलेंस फी का कॉन्सेप्ट समझा दिया है, फी रिसिप्ट SAF वाला कॉन्सेप्ट पहले कल ही बता दिया था मैंने, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर चेकआउट करो कैसे क्या करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पासबुक का फोटो कॉपी चाहिए आपको और 4 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। तो होप सो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इतने डॉक्यूमेंट्स आप जरूर जरूर तैयार करिएगा, 3:30 से 4 बजे के आसपास आपको वीडियो मिलेगी, सारे फॉर्म्स के फॉर्मेट और सारे फॉर्म्स कहाँ से डाउनलोड करने, कैसे क्या करने हैं, सब कुछ वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल मैं मिलता हूँ आगे की वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज रात ही लाइव स्ट्रीम होगा 12 बजे, मिलता हूँ आगे वीडियोस में, बाय बाय।